व्हाट इज अ मास नंबर? सो अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट्स है, एक उसका न्यूक्लियस है और दूसरा उसके ऑर्बिट्स है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देन एटॉमिक नंबर को हमने डिनोट किया था सिंबल जेड से। अब मास नंबर क्या है? सो मास नंबर का डिफिनेशन इस तरह है कि द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, आसान डिफिनेशन मास नंबर का क्या है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही है, एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। स्कॉर्ड व्हाट? स्कॉर्ड मास नंबर। ठीक है, सो मास नंबर का डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं सिंबल ए से, सिंबल ए से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, इसी तरह सिक्स नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसके साथ साथ कार्बन के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो भी क्या है? 6। तो 6 + 6 कार्बन का मास नंबर कितना हुआ? 12। तो मास नंबर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम सम करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जिससे हमारे साथ क्या आएगा? मास नंबर। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। 8 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। इस तरह जो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद है वो कितना है? 8। सो 8 + 8 ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हुआ? 8 + 8 = 16। तो मास नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।